वो क्या है बेटा? कहा माँ? वो आवाज। अच्छा वो माँ, वो चिड़ियाओं का शोर, चिड़िया है वहाँ। माँ मैं ये कह रहा था कि एक्चुअली वो क्या है बेटा? चिड़िया है माँ। माँ एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि वो क्या है बेटा? चिड़िया है माँ, चिड़िया। माँ मैं ये कह रहा था कि जब मैं कॉलेज में था तब एक लड़की। वो क्या है बेटा? अरे चिड़िया है, चिड़िया है माँ। माँ मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं कॉलेज में था जब एक लड़की थी एलिना और हम लोग। वो क्या है बेटा? अरे चिड़िया है माँ। इतनी बार कहूँ कि वो चिड़िया है, एक बार भी तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? जब तू छोटा था और मैं तुझे पढ़ाती थी तब तू एक शब्द को बार बार मुझसे पूछता था। जब तुझे ओ नहीं बनता था तो मैंने तुझे 21 बार ओ समझाया। तेरे हर बार पूछने पर मैंने बहुत प्यार से जवाब दिया कि बेटा ये ओ है। माँ वो बचपन था, वो आपका आपका फर्ज था माँ। आप यहाँ बैठो, मैं आपसे अपनी जिंदगी की जरूरी बात करना चाहता हूँ। माँ बैठिए। खैर छोड़ो, मैं अंदर फ्लाइट कंफर्म करके आता हूँ, आप यहीं रुकना। ठीक है बेटा। और सुनो माँ, यदि मैं लेट हो जाऊं तो ये लेटर पढ़ लेना। जरा ठहर बेटा, मेरे पास भी तुझे देने के लिए कुछ है। यदि तुम वाकई लेट हो जाए तो इस चिट्ठी को खोलकर पढ़ लेना। ठीक है माँ, ठीक है। बेटा यूएस की फ्लाइट का टाइम क्या है? मेरा बेटा फ्लाइट का पता करने गया था, बड़ी देर हो गई। माँ जी यूएस की फ्लाइट तो 2 घंटा पहले चली गई। 2 घंटे पहले फ्लाइट चली गई? रोहित, रोहित, रोहित,
ममता की बिखरी कहानी की दुनिया वो दुनिया। देखूं तो जरा माँ ने क्या लिखा है सेकर में। अरे ये तो मेरे पुराने स्कूल का लेटर दिख रहा है जो प्रिंसिपल सर ने मुझे दिया था माँ को देने के लिए। मिसेस कोरी, आपका बेटा हमारे स्कूल के लिए नहीं है। आपका बेटा हमारे स्कूल के लिए नहीं है। हमें लगता है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है। उसे टीचर की नहीं किसी डॉक्टर की जरूरत है। वो यहाँ नहीं पढ़ सकता क्योंकि वो दूसरे बच्चों की बराबरी नहीं कर सकता। आप उसे यहाँ से ले जाइए और आप उसे अपने घर पर पढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप उसकी जिंदगी की जिम्मेदार खुद है। आप चाहें तो उसे पढ़ा सकती है लेकिन चांस बहुत कम है। हम कुछ नहीं कर सकते।